अस्सलाम वालेकुम रिजवान हाशमी हाजिर खिदमत है। फर्स्ट ईयर के चैप्टर बुक थ्री में से हमने आज हमारा टॉपिक है बुक थ्री की पोएम्स पोर्शन में से। बेटा पिछले लेक्चर में हमने पोएम नंबर थ्री यानी कि स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक पोएम नंबर थ्री थी और अगर नंदे के हिसाब से देखें तो पोएम नंबर सिक्स थी सिंधी पोएम, उसको हमने डिस्कस किया था। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो पोएम नंबर एट। पोएम नंबर एट में जो हमारा मेन टॉपिक है जो हेडिंग है वो है ऑज़िमेंडियस, ठीक है, वर्ड है हमारा ऑज़िमेंडियस। पोएम लिखिए जनाब हमारी ये पी बी शेले नामी एक राइटर। पी बी शेले किस किस्म का राइटर है, व्हाट काइंड ऑफ राइटर ही इज, व्हाट टाइप ऑफ पोएट्री ही रोट, सबसे पहले तो हम इसको डिस्कस करेंगे। पी बी शेले जो है वो एक रोमांटिक और एक रेवोल्यूशनरी किस्म का राइटर है जिसने हमेशा फ्यूडल राज, जमींदाराना निजाम और जालमाना हुक्मरानी के खिलाफ अपने वर्ड सिंबल्स और मेटाफर्स के जरिए लोगों को अपना आइडिया बताने की कोशिश की। तो बेटे आज का जो करेक्टर वो हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है वो है ऑज़िमेंडियस। ऑज़िमेंडियस कौन है जी? ये लफ्ज शायद आपने पहली दफा सुना होगा लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगा कि ऑज़िमेंडियस कौन है जी और इसने क्या किया और शेले ने इसके खिलाफ क्यों लिखा और कैसे लिखा। बेटे ऑज़िमेंडियस वाज एन इजिप्टियन फेरो, इजिप्ट का एक फिरौन था जो कि हजरत मूसा के दौर में अपना दौर हुकूमत करता था। ये एक ऐसा बंदा था जिसने बहुत सी फतूहात हासिल की और उन फतूहात को हासिल करने के बाद बजाय अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के उसके अंदर तकब्बुर भर गया, उसके अंदर गरूर आ गया और ईमन के उसने खुदाई दावा करना शुरू कर दिया और उसने कहा कि मैं दुनिया के ऊपर एक खुदा हूँ और मेरी पूजा की, जिसको जाहिर करने के लिए, लोगों के ऊपर इम्पोज करने के लिए अपनी ये सुपीरियरिटी और अपनी ये हुक्मरानी और अपना ये जुल्म, उसने क्या किया है कि उसने एक स्टेचू बनवाया है, स्टेचू उसे एक मुजस्मा बनवाया, एक बहुत ही माहिर मुजस्मा साथ को बुलवाया गया और उसे कहा गया कि मेरा एक ऐसा बुलंद तो बाला मुजस्मा तैयार किया जाए जिसके चेहरे पर मेरा रोब, दबदबा और मेरी हुक्मरानी नजर आनी चाहिए। उस मुजस्मा साहब ने इस मुजस्मे को बड़े अच्छे तरीके से बनाया और इस मुजस्मे को महल के बाहर लगा दिया गया और आने जाने वाले लोगों के ऊपर ये इम्पोज किया गया कि उस मुजस्मे की पूजा की जाए, उसको माना जाए, ठीक है। उसके बाद जनाब फिर क्या होता है कि उसने उस मुजस्मे के पैरों वाली जगह पर रिटर्न ऑन पेडिस्टल, पेडिस्टल कहते हैं कि बेस, पैरों वाली जगह पर उसने एक लफ्ज लिखवाया और उसने लफ्ज लिखवाया और उसने कहा जनाब कि आई एम द किंग ऑफ किंग्स, मैं बादशाहों का बादशाह हूं। इन शॉर्ट उसने खुदाई दावा करने का ऐलान किया। उसके बाद जनाब अब हम इस पोएम का सेंट्रल आइडिया और थीम को डिस्कस करते हुए बताएंगे कि शेले ने ये पोएम क्यों लिखी और इस मुजस्मे की कहानी उसे कहां से पता चली। इस सबक का जो मरकजी ख्याल है, जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि जिसको अगर मैं इन शॉर्ट दो लफ्जों में बयान कर दूं उसके मोरल को, तो वो ये है कि प्राइड है थफा, गरूर का सर हमेशा नीचा होता है जी, और जिसने भी दुनिया में खुदाई दावा किया जिल्लत और रुसवाई उसका मुतजर, ठीक है जी। आपको याद होगा वाकया कि हजरत मूसा की कौम जब वहां से हिजरत कर रही थी फिरौन के दौरे हुकूमत से, तो फिरौन ने उनका पीछा किया, अल्लाह के हुक्म से दरियाए नील को अल्लाह ने दो टुकड़ों में तकसीम कर दिया और हजरत मूसा की कौम उसमें से गुजर गई। लेकिन जैसे ही फिरौन और उसकी कौम वहां से गुजरने लगी तो अल्लाह के हुक्म से समंदर दोबारा मिल गया और इसकी पूरी जो फौज थी और इसकी सारी सल्तनत थी वो पानी के नीचे आ गई और ये नेस्तो नाबूद हो गया। और उसके बाद जब पानी वहां से कुछ हुआ तो इसकी सारी सल्तनत एक रेगिस्तान में, एक सहरा में तब्दील हो गई, जहां इसने अपना मुजस्मा नष्ट करवाया हुआ था वो भी सारा वीराने में तब्दील हो गया, इसका महल, इसकी जाहो जलाल सब कुछ मिट्टी के अंदर मिल गया। अब ये पोएम का आइडिया शायर को कहां से मिला ली कि शायर की मुलाकात हुई है एक दफा एक ट्रेवलर से जो कि पुरानी सरजमीन की सैर करता हुआ आ रहा है। उसकी मुलाकात जब शायर से हुई तो उस मुसाफर ने हमें बताया कि मैंने जनाब सहरा के अंदर एक बगैर धड़के दो वसी और ईज पत्थर की टांगे देखी। अब हम यहाँ बात करेंगे जो हमने यहाँ पॉइंट बनाया थी कि कंडीशन ऑफ स्टेचू, कि आज उसकी क्या कंडीशन है जी, उस जाहो जलाल रखने वाले मुजस्मे की और उस फिरौन की क्या कंडीशन है जिसने खुदाई का दावा किया। उसकी कंडीशन राइटर को बताते हुए मुसाफिर ने बताया कि मैंने दो बगैर धड़ के टांगे देखी जो कि सहरा के अंदर तन्हा खड़ी हैं और जनाबे वाला उसका अपना ही सर टूट कर उसके पैरों के अंदर रेत के अंदर धंसा हुआ, उसका चेहरा भी टूट फूट का शिकार है लेकिन आज भी उसके चेहरे के ऊपर उसका रोग, उसका दबदबा, उसकी हकारत और उसका फखर नजर
आ रहा है और ये चीज बता रही है कि उस मुजस्मा साहब ने बादशाह के एक जज्बात को बड़ी नजदीकी से देख रखा है, लेकिन अल्लाह ताला ने उस इंसान को भी और उसके इवन के उसके मुजस्मे को भी इबरत का निशान बना दिया कि आज उसका अपना ही सर टूट कर उसके पैरों में मौजूद है और उसका चेहरा भी टूट फूट का शिकार है और उसके इर्द गिर्द कुछ भी बाकी नहीं है सिवाय रेत के, सिवाय वीराने के, ना ही उसका जाहो जलाल है, ना ही उसका ताज है, ना ही उसका तख्त है, ना ही उसकी इज्जत है और इंसान भूल जाता है कि दुनिया के अंदर हर चीज फानी है और बाकी रहने वाली जात सिर्फ अल्लाह ताला की है और किंग ऑफ किंग जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला की जात है जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। तो बच्चों इस पॉइंट के जरिए राइटर ने हमें मैसेज दिया है कि जब भी हम कोई चीज हासिल करें, जब भी हम कोई सक्सेस हासिल करें तो ये चीज नहीं भूलनी चाहिए कि दुनिया में हर चीज खत्म हो जाएगी और ना बाकी रहने वाला है सिर्फ अल्लाह की जात का। तो हमें तकब्बुर नहीं करना चाहिए क्योंकि तकब्बुर करने वाला तकब्बुर करके दुनिया से चला जाता है लेकिन अल्लाह की नाराजगी और अल्लाह की फिटका सारी जिंदगी उसके ऊपर पड़ती है। तो हमें अपने अंदर प्राउड मगरूर तकब्बर को पैदा नहीं करना चाहिए, हर हाल में अल्लाह के सामने सर झुकाना चाहिए। तो इसी तरह हमने आज देखा कि जैसे फिरौन ने जिस तरह से भी तकब्बुर किया अल्लाह ताला ने उसकी जिंदगी और मौत के बाद उसे इबरत का एक निशान। तो अब हम इस पॉइंट को एक दफा इसका टेक्स्ट पढ़ेंगे और उसके बाद बच्चों जो इसके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो बोर्ड के लिए हमारे पास अहम है जो अक्सर रिपीट होते हैं बोर्ड में उसकी एक लिस्ट भी मैंने तैयार की है वो भी मैं आपको साथ साथ डिस्कस करूंगा। इससे पहले हम पॉइंट को थोड़ा सा देखेंगे स्टैंजा। तो पहला स्टैंजा हमें बताएगा कि राइटर की मुलाकात जब हुई है मुसाफिर से तो मुसाफिर ने राइटर को क्या बताया है, किसके बारे में बताया है और किस तरह बताया। राइटर कहते हैं कि आई मेट अ ट्रैवलर, मेरी मुलाकात एक मुसाफिर से हुई फ्रॉम एन एंटीक लैंड जो कि एक पुरानी सरजमीन से वापस आ रहा था। वर्ड एंटीक है जिसके बारे में मैं डिटेल दूंगा आपको अगले पोर्शन में लेकिन इसको आप अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा। हु सेड, जिसने कहा टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन कि मैंने देखी है जी दो वसी और अरीज बगैर धड़ के टांगे। Stand in the desert, जो के खड़ी हैं सहरा में, near them on the sand, उनके नजदीक ही रेत में, half sunk, बेटे sunk को underline करेंगे, sunk means धंसा हुआ, buried, shattered visage, एक टूटा-फूटा चेहरा भी पड़ा है, whose frown, जिसके माथे पर बल है, जिसके माथे पर तेवरी है, बेटे frown को underline कीजिएगा, आगे जाकर मैं इसकी डिटेल दूंगा, जिसके माथे पर बल है, ये था हमारा पहला स्टैंजा, जिसमें राइटर ने मुसाफिर राइटर को कैसे मिला और उसने सहरा में किस चीज को देखा और क्या व्यक्त किया। अब हम देखेंगे कि वो जो मुजस्मा था जिसकी सिर्फ दो टांगें और धड़ मौजूद नहीं है उसकी अब क्या कंडीशन। एंड रिंकल्ड लिप्स एंड स्नीर ऑफ कोल्ड कमांड, उसके माथे पर बल हैं, होंठों पर झुर्रियां हैं और एक नफरत भरा हुक्म उसके चेहरे पर नजर आ रहा है। टेल जो कि बता रहा है दैट इट्स स्किप्ड वेल दोस पैशन रीड कि उसके मुजस्मा साहब ने बादशाह के इन सारे जज्बात को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, यानी कि वो जो मुजस्मा साहब था वो बड़ा माहिर था और वो बादशाह के जुल्म और ज्यादती को बड़े अच्छे तरीके से जानता था। Which yet survived, जो आज भी बाकी थे, survived को अंडरलाइन कीजिएगा, stamped नक्श थे on these lifeless things, इन बेजान चीजों के ऊपर, the hand that moved them and the heart that feed, जिन हाथों ने इस मुजस्मे की नकल बनाई थी यानी कि मुजस्मा साहब ने, वो राइटर के जज्बात के और दिल के अंदरूनी फीलिंग्स को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। बेटे लास्ट स्टेंजा की बात करेंगे, अब हम देखेंगे कि उसके पैरों पर और उसके तकब्बुर को उसने कैसे जाहिर किया। एंड ऑन द पेडिस्टल, और उसके पैरों वाली जगह, बेटे पेडिस्टल कहते हैं बेस, पैरों वाली जगह, दीज वर्ड अपीयर, ये लफ्ज लिखे हुए थे, माय नेम इज ऑज़िमेंडियस, मेरा नाम ऑज़िमेंडियस है, द किंग ऑफ किंग, मैं बादशाहों का बादशाह, लुक ऑन माय वर्क, मेरे कारनामों को देखो, ये माइटी एंड डिसअपीयर, आने वाली नस्ल के लोग तुम जितने भी ताकतवर हो इस चीज को देखकर मायूस हो जाओ। लास्ट स्टैंजा करेंगे, नथिंग बिहाइंड बिसाइड रिमेंस, अब उसके इर्द-गिर्द कुछ भी बाकी नहीं है, राउंड द डिके इस टूटे फूटे मुजस्मे के गिर्द, ऑफ द क्लोजर रैक इस टूटे हुए मुजस्मे के इर्द गिर्द, बाउंडलेस एंड बार वसी और ईज वीराना है, द लॉन एंड लेवल सैंड स्ट्रेच फार अवे, और दूर दूर तक फैली हुई रेत है। बट ये चीज दिखा रही है कि आज उसके इर्द गिर्द ना तो उसका तख्त है, ना उसका ताज है, ना उसका जाहो जलाल है, ना कोई उसके दरबार है, ना कोई उसके महल में आने वाले उसकी पूजा करने वाले लोग हैं, उसके इर्द गिर्द सिर्फ वीराना है, मायूसी है, अफसरदगी है और उसकी जलालत है, इसके अलावा उसके पास आज कुछ भी मौजूद
नहीं बेटे, लास्ट फेज की तरफ हम जा रहे हैं इस लेक्चर की, जो कि इंपॉर्टेंट फेज है। बेटे मैंने आपको कहा था कि मैं स्टेंजा वाइज आपको कीवर्ड निकाल कर दूंगा, तो बेटे स्टेंजा नंबर 1 में जो कुछ लफ्ज मैंने आपको अंडरलाइन करवाए, सबसे पहले लफ्ज है एंटी। बेटे एंटी के लफ्जी माने हैं पुराना, कदीम, और इसके जो अल्टरनेट वर्ड बनेंगे वो तीन बनेंगे, आउटडेटेड, ओल्ड एंड एंशिएंट। आउटडेटेड, ओल्ड एंड एंशिएंट मींस कदीम या पुराना। बेटे दूसरा लफ्ज आएगा हमारे सामने शैटर्ड। शैटर्ड के लफ्जी माने हैं टूट फूट का शिकार, क्रैश, क्रैक और ब्रोकन, यानी कि टूटा हुआ, टूट फूट का शिकार, बिगड़ा हुआ। तीसरा लफ्ज आ रहा है हमारे सामने विजेज। बेटे विजेज अमूमी तौर पर कहते हैं हमारे चेहरे को, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन को। इसमें पहला लफ्ज होगा एक्सप्रेशन, दूसरा लफ्ज फेस, और तीसरा लफ्ज होगा हमारी लुक, जो हम दिखते हैं। चौथा लफ्ज होगा जो लास्ट वर्ड होगा हमारे स्टैंडर्ड नंबर 1 का, वो है फ्राउन। फ्राउन कहते हैं माथे पर बल आ जाना, मींस स्काउल या ग्लेयर, GLAR, ग्लेयर, कि जब हम हकारत में या गुस्से में माथे पर बल डाल देते हैं। दूसरे स्टैंडर्ड अगर बात करेंगे तो उसमें काफी सारे कीवर्ड्स आएंगे। पहला वर्ड आएगा सीनियर, सीनियर मीन नफरत। ऑप्शन होंगे इसके स्कॉर्न, कंटेंप्ट या हेट, स्कॉर्न, कंटेंप्ट या हेट। दूसरा वर्ड आएगा कमांड, कमांड मीन हुक्म, ऑर्डियल, ऑर्डर। बेटे तीसरा लफ्ज आएगा स्किप्टर, यहां स्किप्टर, इसकी प्रोनंसिएशन होगी स्किप्टर, अगर हम वर्ड के हिसाब से देखें तो ये बनता है स्कल्प्टर, और काफी लोग इसको मिसप्रोनाउंस करते हैं, ये स्कल्प्टर नहीं होगा, इस वर्ड के मीनिंग होंगे ये प्रोनंसिएशन होगी स्किप्टर। स्किप्टर मीन मुजस्मा साज, ग्रेवर और इनग्रेवर, इसके अल्टरनेट वर्ड होंगे बोर्ड के हिसाब से। अच्छा उसके बाद तीसरा लफ्ज आएगा सर्वाइव। सर्वाइव कहते हैं बच जाना, गेट ऑन हो जाना, लीव होना या रिमेन होना, बाकी रहना। वर्ड नंबर 5 आएगा हमारे सामने माइटी। माइटी कहते हैं कि अजीम या ताकतवर, पावरफुल, विगरस, पावरफुल और विगरस। छठा लफ्ज है जी देखे, देखे कहते हैं तबाहशुदा, रस्ट और रिम। नंबर 7 पे आएगा हमारे पास लफ्ज क्लेजर, इसकी प्रोनंसिएशन होगी क्लेजर, ओ को यहां साइलेंट रखेंगे, यहां ओ की प्रोनंसिएशन नहीं देंगे, यहां कहेंगे क्लेजर। क्लेजर मीन बुलंदों पर, मॉन्स्टर्स और ह्यूज या बिग। वर्ड नंबर 8 होगा जी रेक, रेक, यहां डब्ल्यू साइलेंट होगा जिसको पढ़ते हैं रेक, रेक मीन सुनसान, लॉन्सम और आइसोलेटेड, लॉन्सम और आइसोलेटेड, तन्हा, अकेला। और लास्ट लफ्ज होगा जी हमारा सॉरी रेक, रेक के लिए लफ्ज यूज करने आपने डेविस्टेशन या रिमूव, तबाशुदा। लास्ट वर्ड होगा हमारे पास लॉन, लॉन मीन सुनसान, लॉन्सम और आइसोलेटेड। तो ये थी बच्चों हमारी पॉइंट नंबर 8, जिसका नाम था ऑजिमेंडियस। मेन थीम उसकी, मेन आइडिया था कि प्राइड है तफार, जो भी गरूर करता है, तकब्बुर करता है, उसका सर एक दिन झुक जाता है, और बाकी रहने वाली जात अल्लाह ताला की है। मेन आइडिया मैंने आपको एक दफा फिर बता दिया, और उसके बाद बेटे हमने इस वजह से क्या करना है, ये हमारी पॉइंट थी, ये हमारे कीवर्ड थे, इसके बाद इसमें से रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आएगा, और साथ आएंगे इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, वो मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बता दिया था कि गर्ल्स और बॉयज दोनों तरफ हमने नोट्स प्रोवाइड कर दिए थे आपको, उन्हीं नोट्स के अंदर से रेफरेंस को टेक्स्ट भी करना है, और उन्हीं नोट्स के अंदर से आपने वही शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं जो आपको बता दिए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़, उम्मीद कर रहे हैं कि आप बेहतर रहोगे नेक्स्ट पॉइंट के साथ, इंशाल्लाह आपको।